Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. So, in your subject SST, we are discussing our chapter number 10, Waste Management. Okay? Today, our topic is about disposal of waste, in which we have already studied open dumping and sanitary landfills. Today, we'll discuss composting. What is compost? Decayed organic material used as a fertilizer for growing plants. Yani, composting ke liye hum ek pit khod dete hain, ek ghada khoda jata hai, jisme aap biodegradable waste dal dete hain. Biodegradable waste hi sirf dalna hota hai, kyunki wo waste jaldi se degrade ya decompose hota hai. इसमें आपका किचन वेस्ट आ सकता है या एग्रीकल्चरल वेस्ट आ सकता है जब आप इस गड्ढे में डाल देते हैं ये वेस्ट फिर मिट्टी डाल देते हैं उसके बाद क्या होता है इसमें कुछ और चीजें ऐड की जाती है जैसे कि अर्थवर्म्स जो फिर इस वेस्ट को क्या बनाती है फर्टिलाइजर कंपोस्ट मतलब है जो ये ऑर्गेनिक मैटर यानी कि वेस्ट हमने इसमें डाला ये छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता है और ये बनता है ऑर्गेनिक मैटर जो फिर हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर एज मैन्योर यानी कि ये वेस्ट हम फिर यूज करते हैं जैसे कि हम कुछ बोते हैं क्रॉप्स वगैरह और हम उनमें ये मैन्योर डाल देते हैं ताकि हमारी सोइल और फर्टाइल हो जाए ठीक यानी कि हम एक वेस्ट को किस चीज में कन्वर्ट करते हैं यूजेबल चीज में हम बाद में इसको एज फर्टिलाइजर या मैन्योर यूज करते हैं ताकि हमारी सोइल फर्टाइल बन सके ठीक है नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग क्या है अ प्रोसेस इन व्हिच यूज्ड मटेरियल्स आर ट्रीटेड टू मेक न्यू वंस रिसाइकलिंग जब रे आता है इट मींस हम एक यूज्ड की हुई चीज को फिर उसमें कुछ प्रोसेस की जाती है इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज में जिसकी वजह से वो यूज्ड मटेरियल एक नया मटेरियल बनता है और हम फिर से यूज कर सकते हैं रिसाइकलिंग रीयूज के लिए ठीक है तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या है बहुत सारा वेस्ट तो प्रोड्यूस होता ही है जो कि हमारे लिए एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ये कूड़े का ढेर जमा हो जाएगा अगर हम इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे है ना तो कुछ वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा भी है जो ट्रैश होता है यानी कि जो वापस से हम यूज़ नहीं कर सकते हैं कुछ वेस्ट ऐसा है जो रिसाइकल हो सकता है वही मैं आपको समझा रही हूँ यानी कि वो वेस्ट तो बनता है पहले बट वो वेस्ट हम फिर से उसकी ऐसी प्रोसेसिंग हो सकती है कि वो फिर से रीयूज़ हो सकता है फिर से हम यूज़ कर सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ द सिंबल ऑफ रिसाइकलिंग क्या है सिंबल ऑफ रिसाइकलिंग जिस भी चीज़ पे आप ये देखेंगे आप समझ जाना कि ये चीज़ रिसाइकल हो सकती है जैसे कि कुछ बैग्स पे होता है या फिर कुछ पेपर बैग्स पे भी होता है हम कुछ नहीं ले आते हैं ढेर सारे पेपर्स उनमें भी उस पैकेट पे ऐसा सिंबल होता है इट मीन्स कि ये चीज़ रिसाइकल हो सकती है तो आप इसको फेंकिए ना इसको आप कबाड़ी वाले को दीजिए जो फिर फैक्ट्री लेकर इसका फिर क्या होता है रिसाइकल होता है फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बॉटल है ये भी रिसाइकल होके एक नई बॉटल बन सकती है ठीक है या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेकिन बनाना का जो पील है बनाना का जो छिलका है उसमें हम वापस से बनाना प्रोड्यूस नहीं कर सकते ये ट्रैश है ये फेंकना है ठीक है जैसे कि शीशे की बोतल है या कैन है छोटा सा या आप देखिए पॉलिथीन बैग है या फिर मैगजीन है जिसमें पेपर्स का इस्तेमाल होता है ये सारी चीज़ें वापस से रिसाइकल हो सकती है तो इनको हमें क्या देना चाहिए जो आते हैं कबाड़ी वाले उनको देना चाहिए ताकि वो फैक्ट्री लेकर इसका जो प्रोसेसिंग होती है वापस से ये
प्लास्टिक या शीशे की बोतल या पेपर, ये वापस से इसकी प्रोसेसिंग होके इसको नई चीज़ों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक का वापस से इसको मेल्ट करके एक बाल्टी में यूज़ किया जा सकता है. समझ आ रही है? ये देखिए कितनी प्लास्टिक की बोतल्स है. ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये प्लास्टिक बैग्स काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होते हैं, तो इनका हम रिसाइकल में यूज़ कर सकते हैं. ओके, वन मोर थिंग, जहाँ पे भी आप ऐसा डस्टबिन देखेंगे ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है. दिस इज़ कॉल्ड अ ग्रीन बिन, जिस पे ऐसा सिंबल होता है जिसमें आपको सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही डालना होता है और कोई वेस्ट नहीं. ओके, दिस इज़ इट फॉर द डे. प्लीज़ डू रीडिंग ऑफ पेज नंबर 55. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.